हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का मेरे चैनल साइंस अबाउट मॉडर्न साइंस पे स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे सूरज का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है और हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो बिना किसी देरी किए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर देखिए। नासा के मुताबिक हमारे सूरज से कई गुना चमकदार प्रोक्सिमा सेंचुरी लगभग 4.246 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और हमारे सूरज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आपको मालूम होगा कि हमारा सूरज एक तारा है, अगर नहीं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि सूरज क्यों तारा कंसीडर किया जाता है। तो सूरज यह तारा है बल्कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा सूरज ही है और वो लगभग 152.08 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचेगी। थैंक यू। जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स अबाउट मॉडर्न साइंस पे स्वागत करता हूँ। तो बिना किसी देरी किए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम किसी अदर प्लैनेट और किसी एस्ट्रॉइड से हमारे पृथ्वी को तो किसी तारों और ग्रहों को देखते हैं तो हमें वो साफ सुथरा क्यों दिखाई देता है, लेकिन हमारे धरती से ऐसा नहीं दिखता। इसका पीछे का रीजन क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी पृथ्वी और अदर प्लैनेट से कंपेयर किया तो हमारी पृथ्वी में एटमॉस्फेरिक की स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई लेवल पे है और उसी के चलते हमारे सूरज की किरण हमारे एटमॉस्फेयर को ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लेती है, बल्कि दूसरे ग्रहों पे ऐसा नहीं होता क्योंकि उधर एटमॉस्फेयर की स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ये जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचेगी। थैंक यू। जय हिंद। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्यों अराइज होता है? क्वेश्चन अराइज होने का पीछे का रीज़न ये है कि आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देता है और आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान मिलती है और आपके इस क्यूरियोसिटी के कारण नॉलेज में भी बढ़ोतरी मिलती है। जब एडिसन ने एक क्वेश्चन किया ना होता कि बल्ब किस फेनोमेना में चलता है तो आज हम लोग कहाँ होते, आप रियलाइज कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होना ये कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं, बल्कि आपको सही मार्ग सच्चे मार्ग में जाने के लिए वो प्रेरणा और एक साधन है। पर आप जान सकते हैं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? लगभग एक मिनट में 200 या 300 क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज होते हैं और हमें अरे ब्रेन में लगभग 24 घंटे में 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। हेलो गाइज, मेरा नाम है रोहन, आपका मेरे चैनल फैक्ट्स अबाउट मॉडर्न साइंस पे स्वागत है।
आज का टॉपिक एस्ट्रोनॉट रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में है। एस्ट्रोनॉट एक आमतौर पर ग्रह तारे जैसा दिखने वाला एक बड़ा पत्थर है जो हमारे ग्रेविटी के विपरीत, मतलब ग्रेविटी के सिद्धांत को तोड़कर हमारे यूनिवर्स में चक्कर लगाता है और उसे देखकर हमें हमारे पृथ्वी पर रहने वाले करोड़ों साल पुरानी बात याद आती है। इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर नामक जीवों का संहार हुआ था। इसी के चलते नासा जैसे बड़े वैज्ञानिक ऐसे विस्फोटक बनाने की कोशिश में है कि एस्ट्रोनॉट को यूनिवर्स में ही खत्म कर दिया जा सके। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द ही पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।